श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। राजीव भैया और उनकी धर्मपत्नी स्नेह यादव सबने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया है। भाइयों, नंगला शबर में जब से मैं आया हूं ये पता नहीं लगा कि 7-8 दिन कितनी जल्दी चले गए, क्योंकि इन लोगों का जो प्रेम है वो निर्छल निष्कपट। भाइयों, अगर सच पूछा जाए ₹501 राजीव भैया के छोटे भाई और संजीव भैया के छोटे भाई राजीव कुमार यादव रजनी देवी, और उनकी धर्म पत्नी का नाम रजनी देवी, जिन्होंने गद्दी पर आकर हमें सम्मानित किया। भगवान, ये जोड़ी हमेशा संपूर्ण शक्ति के साथ समय को व्यतीत करते हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित रहे हैं। भाइयों, साथ ही साथ में गुरु जी के साथ में सम्मान के साथ हमारे गुरु भाइयों को भी 50-50 समुद्र गांव से भैया जी ने सम्मान किया है। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें, जय श्री राधे। भाइयों, यहाँ पर सारे लोगों की आंखों में अनूठी प्यार की चमक देखी है और शास्त्रों में आया भी है प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। मेरे प्रिय श्रोताओं, रजनी देवी, हमारी धर्मपत्नी सरला यादव का भी सम्मान कर रही हैं। भगवान इनको सदा सुख और शांति देता रहे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, भगवान ने कंस मार डाला। आज की कथा में भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया और वो दोहरका में बस गए। ये दोहरका समुद्र के बीच में है,
लोहे की मशीनों पर ये बनाई गई दोहरका में आकर के भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्थ देश के राजा कुकुदमी उनके बेटे का नाम रेवत और रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। भगवान कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के दोहरका में आ गए। एक बात और बताऊं आपको, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे और उन्हीं राज्यों में था एक विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जिला इटावा में विधुना है, अब वो औरैया में निकल गया। विधुना को विदर्भ देश कहते थे। ये हवा नहीं आ रही है रे, तू क्या कर रहा? इधर बैठ जा। हाँ गाड़ी गाड़ी तेरी है, चोरी भाई जाते गाड़ी देख रहो। तो मैंने बताया भाइयों, विधुना से 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का एक कस्बा है। पहले इसका नाम कुंदनपुर था और इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 लड़की, जिस लड़की का नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी भक्तों त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 17 साल की हो गई। भाइयों बहुत ही सुंदर हैं रुक्मिणी। जब सहेलियों के बीच से चलती हैं मालूम पड़ता मानो चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। यही गर्मी के दिन रहे, रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी भई। एक लड़की बोली, ओरी बहन रात होते है छोटी, दिन होता है बड़ा। दिन ना कट रहे हो कुछ खेल खेलो। एक लड़की बोली, खेल मैं बताऊं? आंख में चौनी को खेलो। आंख में चौनी को खेल होता भक्तों, एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां सब इधर उधर कमरे में छिप जाती हैं। जिस लड़की की आंखों से पट्टी बंधी है वो लड़कियों को ढूंढती है और जिसे पकड़ लेती है फिर उसकी आंखें बंद की जाती। ये आंख मिचौनी को खेलते भो, लड़कियां इधर उधर छुपी तो रुक्मिणी भी देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहो। जिस लड़की की आंखों से पट्टी बंधी वो रुक्मिणी को पकड़ लेती है और लड़कियां कहने लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जाते हो हम पकड़ा देते। अरे पगली जब चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहर ही कर दई जब दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी बोली है,
सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कुसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कुसूर है, और ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कुसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कुसूर है। सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं, रुक्मणी अपने घर आई और आटा पे खड़ी हो गई। ऐसी रहे गली, बगली से देव ऋषि नारद वीणा बजा जाए और बड़ो मीठो गीत गा जाए। अब रुक्मणी बगीत को सुनन लगी, कौन सो गीत गा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है जय हो अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है जय हो अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ओरे दुनिया वालों, मेरी मानो या न मानो, हो तन मन से हो गया है आधार का कन्हैया का, तन मन से हो गया है संसार का कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार का कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार का कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। मेरे भक्तों जो ये गीत सुना भैया, समय पानी पिया रहे हैं बड़े प्रेम से, सबसे बड़ी ये तपस्या भाइयों, आज रुक्मणी कहने लगी हे ऋषि, हाँ
हाँ ध्यान ध्यान दें, डॉक्टर विक्रम सिंह 501 मुद्राएं और अजय पाल ये 501 मुद्राएं हमारे गुरुदेव जी को भेंट करते हैं, भगवान को सुख और शांति। मेरे भाइयों, देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है और जाने प्रभु के दर्शन कर लिए, उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मणी पूछन लगी, हमें ये बताओ अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? जवाब दिया, अब मथुरा को छोड़ आए, दोहरका में बस गए। रुक्मणी कहने लगी, एक बात और बताओ, उनकी शादी हो गई? कहने लगे, उनकी शादी नहीं हुई, उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई। जो सुना कि भगवान की शादी नहीं हुई, रुक्मिणी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। भगवान कन्हैया की यह सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, ये रुक्मिणी की मां ने देखा। पीछे क्या बात हो रही? उन्होंने देखा कि यह बिटिया रुक्मिणी की चाल कुछ इशारा कर रही है। और एक बात और बताऊं भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं वो अपनी बेटी की हर हरकत पर नजर रखती हैं, और रखना भी चाहिए। रखना भी चाहिए। दस साल की लड़की को सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। राज यादव जी नोटों की माला डाल के मेरे गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं। भगवान का नहीं, राधा रानी मैया धर्म के पथ पर चलने की शक्ति इस बालक को मेरे भाइयों ध्यान रखना। अच्छा करें प्रभु, मैंने कहा 10 साल की लड़की को तुम छोटा न समझो, और चतुर माताएं जो होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं, रखना भी चाहिए।
और फुअर औरत होती है, बन नजर नहीं रखती, बाय पतोई नहीं बिटिया कहां जा रही, का कह रही, का कर रही। आज रानी ने अपने पति को बुला के कहा कि महाराज तुम राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें यही नहीं मालूम कि घर में जवान लड़की, कहीं अच्छा सा लड़का देखो और बिटिया के हाथ पीले करो, जमानो अच्छो ना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा भीष्मक दरबार में आए और बोले, मंत्री। हाँ महाराज की जय हो। आज जितनी ये माताएं बहनाएं बेटियां नौजवान बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं, हाँ हाँ, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, महाराज विशेष विषय पे चर्चा करेंगे, सभी लोग समझदार हो, महाराज के विचारों को सुने और अपने विचार दें। हाँ सभी माताएं बहनाएं भाई बंद युवा साथी जितने सभा में आए हुए हैं सभी का स्वागत है। महाराज की तरफ से आदेश है, महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे, सब लोग अपने अपना आचार दें। आप लोग जानते हो आचार क्या प्रकार का होता है, कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है, टंडे का, तुरैया का, भिंडी का, हम क्या कह रहे हैं, बकवास कर रहा है, देखा आपने, सरकारी है ये आचार। माफ कीजिए लोगों, मैं अपनी राय आपके सामने खुद ही रखूंगा। आप लोग जानते हो घर में जवान लड़की हो तो माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मणी शादी के लायक हो चुकी है, तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया से गुड़कर्म सुबह मिलते हो तो बताए तो भाई राजकुमार के लिए हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, टीका आदि भेजेंगे। पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि बेटी की आयु कितनी है महाराज। 21 साल की है, 25 साल का राजकुमार चाहिए। अगर 25 साल का ना मिले तो 5-5 साल के 5 जोड़ ले जाए तो 1 बरसिम लाएगा, 1 कुटी का लेगा। उल्लू के पट्टे तू लगता है जी नीच जात का आदमी है। अरे क्यों रे, राजाओं के लड़के बरसिम लाते हैं, कह रही है राजकुमार जिनके आगे पीछे नौकर चलते हैं, तुझे बात करने की तमीज नहीं, 1 लड़का चाहिए रुक्मणी के लिए। 1 चाहिए तो 1 राजकुमार बहुत सुंदर हमारी नजर में। कौन महाराज? पांडपुत्र धर्मराज दुष्टर जी। महाराज दुष्टर जी, लड़का तो बड़ा सुंदर बताया जी, वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो मैं अपनी बेटी रुक्मणी महाराजा दुष्टर को जरूर दे देता। तो वो कमी क्या है जो नहीं? लड़का की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो मेरी बेटी रुक्मणी का दीवार चाट के रहेगी। भक्तों ऐसे को भी अपनी लड़की मत दे देना जिस लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, लेकिन जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, अगर धर्मराज को नहीं करना चाहते हो महाराज तो अपनी बेटी को दुर्योधन के लिए ही कर दो।
वो राजा है, अधिकार मिल जाएंगे। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर मार छिड़ेगी और आज पैर की चेक चेक में हमारी बेटी रुक्मणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए दुर्योधन को अपनी बेटी नहीं दूंगा। और कोई लड़का बता। एक राजकुमार और मेरी नजर में है। कौन है? उसे आप भी पसंद करेंगे, सभी सभा के लोग करेंगे। महाराज सोनतपुर नरेश बाणासुर। बाणासुर को लड़की देने से पहले लड़की को सल्फाज की गोलियां दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। कैसे? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। इधर एहलकार जी, ये 101 रुपया हमें समर्पित करते हैं। साथ में उनकी धर्म पत्नी हमें सम्मानित करती हैं। भगवान इनको सुख और शांति दे। तो मैंने बताया आपको? हाँ महाराज। 100 रुपये पवन की नानी जो हमें समर्पित करती है, 10-10 रुपया सारी स्टाफ को। मेरे भाइयों, कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी दारूबाज को अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो महाराज वैसे यहां पर तुम थोड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? आज के शासन में जो दारू पीते हैं वो लोग बड़े कहलाए जाते हैं। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ। और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ा आदमी। हाँ, उससे भी बड़ा आदमी। और कहूं भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ो आदमी। हाँ, वो भी बात है। खामोश। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। लोगों, आबागढ़ में तीसरी शाल अभय पान नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मां की इज्जत लूट ली, अपनी मां की। जयपुर में दारू पीकर भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में दारू पीकर बाप ने अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूटकर उसकी लाश भूसा में दबा दी। इसलिए पांडाल में बैठे हो भाइयों, अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में पानी है तो दारू को छूना नहीं। ध्यान रखना, और तुम्हें बतलावे चर के और धनमंतर भी दारू को बुरा बतावे। चर के और धनमंतर भी दारू को बुरा बतावे। चर के और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। मेरे भाइयों, और
सती मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में, रक्त नाड़ियां ढीली हुई, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। समय से पहले मौत का ग्रास बन जाता है दारूबाज। और सुनिए भाइयों,